जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है, जहां आज आजादी के अमृत महोत्सव पर सहारनपुर रोड नकुड़ में डाक बंगले पर पहुंचे सांसद प्रदीप चौधरी व विधायक मुकेश चौधरी का पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा का आयोजन नकुड़ के डाक बंगले से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार में होते हुए ग्राम अध्ययना में तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि 15 अगस्त को ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाने का काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उन महापुरुषों से सीख लेने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर सुभाष सिंघल, मनोज गोयल, सोहन गुप्ता, सुभाष चौधरी, पवन सिंह राठौर, मयंक चौधरी, राकेश वर्मा, राधेश्याम शर्मा, राज सिंह माजरा, राजपाल प्रधान महिपाल सिंह माजरा, सभासद विपुल गुप्ता, नीरज चौधरी, अभय चौधरी, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मौजूद रही। सहारनपुर से हसीब खान की रिपोर्ट। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हम आजादी का 75वां वर्ष मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों का आह्वान है कि हम लोग इस 15 अगस्त के ऐतिहासिक पर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम करें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, लोगों को ये बताने का काम करें कि हमारे महान पुरुषों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने, हमारे बलिदानी लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार का बलिदान दे करके हम लोगों को ये दिन दिखाने का अवसर दिया। आज हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि हम सब लोग देशवासी उनके जीवन से कुछ सीखने का काम करें, प्रेरणा लेने का काम करें, उनके जीवन परिचय को पढ़ने का काम करें और आगे बढ़ने का काम करें, देश में तरक्की उन्नति की राह लेकर के चलने का काम करें। हर घर झंडा फहराने का जो आह्वान हम लोगों को दिया है, उसी के निमित्त हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा लेकर के चले हैं। इस मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को घर घर जागरूकता भी करने का काम किया जा रहा है, घर घर झंडा फहराने का भी आह्वान करने का काम किया जा रहा है, झंडा वितरण करने का भी काम किया जा रहा है। क्या संदेश है, किस प्रकार का संदेश देंगे आप देशवासियों के लिए, किस प्रकार का संदेश है आपके सरकार से? देशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है, देशवासी भलीभांति जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमें देश के प्रति किस प्रकार से काम करना है और देश के प्रति जब समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति लेकर के लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब से पहले कुछ सरकारें ऐसी रही देश के अंदर जिन्होंने देश के प्रति किसी भी प्रकार का भावपूर्ण कार्य नहीं किया है। हमारी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने इस बात को हम लोगों को दर्शाने का काम किया है, हम लोगों को जगाने का काम किया है, देशवासियों को ये बताने का काम किया है हम लोगों ने देश के प्रति समर्पित भाव से काम करना कैसे होता है, ये हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी ने हम लोगों को बताने का काम किया है। जी, किस प्रकार का कार्यक्रम? आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और नकुड़ में जो आयोजन हुआ है तिरंगा यात्रा का, बहुत ही भव्य आयोजन हुआ है और सभी का बहुत सहयोग मिला है। मंडल के पदाधिकारी, नगर मंडल, देहात मंडल, सभी ने मिलजुल कर काम किया है, सभी पदाधिकारी उसमें रहे हैं, सभी कार्यकर्तागण रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा PWD निरीक्षण भवन से मुख्य बाजार को होते हुए नगर पालिका चौक पर जाकर उसके बाद अज्ञाना पर संपन्न हुई। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश माननीय योगी जी का है, माँ भारती का है, राष्ट्र ध्वज जो तिरंगा है इसको घर घर फहराना है कि प्रतिष्ठान है, आवास है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, सभी पे ध्वज लगाना है, राष्ट्रीय ध्वज लगाना है और तिरंगा फहराना है।